हे फैमिली, कैसे हो आप? सब आए हो? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त हो। तो स्वागत है आप सभी खुश होनी ब्लॉग्स नेपाल में। तो फैमिली, आज है छठ पूजा का दूसरा दिन और अब मैं अभी पूजा पाठ कर ली हूँ। तो आज सजिया घाट है, तो मैं अभी सुबह के 3 बज रहा है, तो मैं अभी उठ के पूजा नहा धोवा के पूजा पाठ कर ली हूँ, क्योंकि आज प्रसाद होना नहीं ठेकुआ, तो इसलिए मैं जल्दी उठी हूँ। तो फैमिली, अब चलती हूँ मैं ठेकुआ बनाने, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। किसका? तो यहाँ पे सबसे पहले आके मैं आग ही जला ली हूँ, और आग ही जला के ठेकुआ है बना रही हूँ। तो ठेकुआ बन जाएगा, उसके बाद पूरी चनी है। तो ये मेरी देवरानी है जो मेरी हेल्प कर रही है। देखिए, सबसे पहले अरक का ठेकुआ बन रहा है। तो ये अरक पे चढ़ाने के लिए ठेकुआ है। इसको धीमी धीमी आंच पे हम पका रहे हैं ठेकुआ को। तो हमारा अरक का ठेकुआ रेडी हो चुका है। तो अब हम मैदा वाला खजुरिया बना रहे हैं। तो इसको खजुरिया भी बोल सकते हैं, ठेकुआ भी बोल सकते हैं। तो अरक पर का बना के हम लोग साइड लगा दिए हैं, हम मैदा के बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारा मैदा का ठेकुआ। इधर मेरी देवरानी ठोक रही है ठेकुआ को, और मैं बैठ के छान रही हूँ। तो ये देखिए हमारा मैदा वाला ठेकुआ। बोल कौन चाहिए ठेकुआ जो फरेला गावद में? टिकटक हिरो नहीं था घूमने अलग हमको। ये गर्मी में रहता है ना, ठंडी में सफर हो जाता है। ईद हुआ, सावन से शुरू होता है चार्ज पर कार्तिक में जाकर पता लग रहा है। मतलब जैसे नहीं होता, ये दशहरे के बाद एकदम भारी हो जाता है। और दशहरे हुआ तब मैं दशी बना बोली दिवाली से लेकर सेलिब्रेट करने रहता तो भी नहीं होता है। तो हाई घर साफ करो, हाउ घर साफ करो, इधर करो तो उधर करो। 3 hours later तो मैं वहाँ पे ठेकुआ को बना के आ गई हूँ, और उसके बाद मैं रेडी हो गई घाट में जाने के लिए। तो मेरी बेटी भी रेडी होकर बैठ चुकी। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट घाट पे आ चुके हैं। तो मम्मी और मेरे पति देव जी पहले ही घाट पे आ चुके थे अर्घ लेके, दौड़ा लेके, और हम, मैं और मेरी बेटी बांधने आए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है। तो सब यहाँ पे कितना श्रद्धालु सब है देखने के लिए छठ पूजा। तो इस बार बहुत भीड़ था छठ घाट पे।
आप लोग देख सकते हैं फैमिली कितना भीड़ है छठ घाट पे। तो जो व्रत करते हैं उनका भी भीड़ है और जो नहीं करते वो भी आए दर्शन करने छठ माता को। आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है इस बार। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी, मेरी ननद और मेरी देवरानी थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे हैं, और इधर मेरे देवरानी के लड़का और लड़की। लेकिन बाबू में मिट्टी में कितना सुंदर से खेल रही है, तो वो गोदी में रो रही थी और नीचे छोड़ देने पे अपने आप खेल रही है अकेले। तो आप लोग देख सकते हैं कितना क्यूट बेबी है। इधर देख सकते हैं जो छठी माता के व्रत किए हैं और जो मानता माने रहते हैं, तो वो लकीर खींच के अपने घर से छठ घाट तक आते हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का नेपाल का वरिष्ठ पत्रकार रवि लामिछाने जी भी दर्शन करने आए हैं छठी माता को। तो उसका भी यहाँ पे बहुत भीड़ है। One hour later. तो यहाँ पे 6:30 हो चुका था, तो हम लोग घाट पे से डूबते सूरज के अर्घ देके घर पे चले आए। घर में आने के बाद इस तरह कोसी भरा जाता है, तो घर में हम पूरे फैमिली के साथ हम लोग मिल के कोसी भरते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये कोसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंधेरा में उजाला कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर अभी घर पे भरा जाता है कोसी, और सुबह फिर 3 बजे सुबह फिर घाट में ले जाके भरा जाएगा। तो ये देखिए A few moments later. तो यहाँ पे कोसी भरा चुका है और हम लोग नीचे आ गए हैं। तो अब हम लोग खाना खाएंगे, और मम्मी का तो व्रत है, मम्मी नहीं खाएगी। तो अगली सुबह 3 बज चुका है और हम लोग फिर से घाट पे आ चुके हैं। आज उगते सूरज के अर्घ दियाएगा, तो अभी घाट पे कोसी भरा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे सासू माँ कोसी भर रही है, और यहाँ कोसी भरा जाएगा, उसके बाद कोसी लेके फिर घर में वापस चला जाएगा, उसके बाद अर्घ दियाएगा। तो देख सकते हैं सुबह 3 बजे भी घाट पे कितना भीड़ है। तो यहाँ पे उगते सूरज का अर्घ देने का समय हो चुका है, तब मम्मी यहाँ पे अर्घ दे चुकी है, और इधर मेरी बेटी देवरानी और मेरे बेटा भी सूरज नारायण के जल ढाल रहे हैं। तो पहले उन लोग के जल ढलवा देते हैं, उसके बाद हम पूजा करेंगे सूर्य नारायण को। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी जल ढाल रही है, और इधर पीछे मेरा बेटा है, और वो अपनी सारी मेरी देवरानी है। तो सभी लोग हम जल ढाल लेंगे, उसके बाद पूजा करके उसके बाद हमारा इसी के साथ छठ पूजा समाप्ति होता है। और इसके बाद हम लोग अपना प्रसादी लेंगे और प्रसादी खाएंगे। तो यहाँ पे प्रसादी मांगने का भी बहुत भीड़ हो जाता है, तो सभी को हम लोग प्रसादी देते हैं। जितना भक्त लोग हैं सबको हम लोग प्रसादी बांटते हैं। तो यहाँ पे बहुत भीड़, आप लोग देख सकते हैं सुबह
6:30 बजे का ऑर्डर का टाइम था, तो उसी समय का ये व्यूज है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा व्यूज है। तो फाइनली छठ पूजा का समापन हो गया, तो अब हम लोग घर पे आ चुके हैं। और घर पे आके यहाँ पे देख रहे हैं नीचे मछली वाला आया है, तो सब मछली वाला को देख